Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. तो भाई आज का क्या सीन है, आज मेरा दोस्त भवन है, आप जानते होंगे, आप सारे कई व्लॉग्स में आए भाई, तो आज अरे क्यों अभी दो में आएगा लोन वाले व्लॉग में भी। तो आज क्या है, आज भवन का घर दिख रहा है ना पीछे, अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल। उसका व्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे रेंट क्या है, लोकेशन क्या है, बहुत अच्छी लोकेशन है भाई, पेट्रोल पंप है बिल्कुल साइड में, और उस साइड हार्वीज है, इस साइड मैकडोनल्ड्स है, टिम होटन्स है, रात को कभी भी भूख लगे भाग लो बाहर, बस वॉकिंग डिस्टेंस यार, मतलब वॉकिंग में भी एक मिनट लग रही है, तो देख लो बिल्कुल साइड में ही है, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी, मतलब इस हिसाब से आपको घर ढूंढना चाहिए जहाँ मतलब सही एरिया में और बड़ा हो। और देखो कितनी क्या कर रहा था, कुछ नहीं, कितनी गाड़ी पार्क हो सकती है भाई यहाँ, पाँच। और तुम रेंट कितना भर रहे हो अब, पहले तो सस्ता होगा ऑब्वियसली, अराउंड साढ़े चार सौ ईच, और कितने कमरे हैं वो सब आप देख लेना। अभी हम शुरू करते हैं ब्लॉग को भाई। तो भाई ये है ओनर घर के, अरे मतलब ओनर नहीं, वो रेंटर। देखो यहाँ यहाँ कितनी गाड़ी पार्क हो जाती है भाई, पांच यहाँ लाइन में है कि नहीं, ओ भाई दे। और मैं यहाँ यहीं अपनी BMW यहाँ पे ही चार्ज करी थी मैंने। ये है फ्रंट डोर घर का, ये फ्रंट यार्ड, ये बेड पड़ा हुआ है, इतना गंदा रहता नहीं है घर, अभी बेड ये बनाना है तो पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे, और ये है हॉल, ये हो गया बेडरूम। अरे लाइट जलाइए भवन भाई सारी। भाई ये है मेन डोर, ये आ गया, मतलब हर मेन डोर के पास जूतों का रैक होता है, ये साफ सुथरा सा है, कर देते हैं बंद। ये बैठे भवन भाई, और ये है क्या, लिविंग रूम हॉल जो भी कहते हैं। वाइड एंगल में बना रहा हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा बड़ा लग रहा है घर, तो आप ध्यान रखना जब आप घर ढूंढ रहे हो ना, नॉर्मल फोटो भी मंगवाना, वाइड एंगल में खींचते हैं सब, ताकि ज़्यादा बड़ा लगे घर। और ये डाइनिंग टेबल भाई की, माइक्रोवेव, फायरप्लेस, ये सब कुछ, और ये फर्निश्ड था ना पहले से ही, ये सब कुछ है ना, सब कुछ मतलब घर में मिलता है, डिपेंड होता है फर्निश्ड या अनफर्निश्ड। और यहाँ से हम बाहर जाएंगे, यहाँ से बेसमेंट का रास्ता है, और यहाँ से है मतलब वो फिर से वो पार्किंग आ गई, दो दो डोर हो गए घर के। और अब क्या है, अब भाई ये फ्रिज हो गया, ये सब यहाँ पे यूटेंसिल्स रहते हैं, और यहाँ पे फ्रिज में खाना, भवन भाई का बर्थडे था कल, बर्थडे का केक ये हमने खा रहा। वो वीड वाला केक, मतलब वीड छपी हुई थी उस पर, असल में वीड वाला नहीं था, अंदर नहीं थी। अच्छा वो हो गया, अब ये वॉशरूम, कौन है हैंडसम गाय, ठीक है ऐसा कुछ वॉशरूम है, हमने साफ किया है, मतलब साफ रहता ही है यार घर, है ना यूजुअली ये वाला। अभी यहाँ पे तो बस स्टोर रूम है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, डब्बे वब्बे, ये खजाना, यहाँ पे ये भी है, प्रसाद भी है, हाँ मुरमुरे बहुत सारे, एप्पल का बॉक्स भी पड़ा है, किस चीज का, कौन सा आईफोन का है, आईफोन 12 का है वो, यहाँ पे ग्लास वगैरह जो भी है, ये मत दिखाना, ये तो लोन मतलब वो है ना यार, जैकेट्स वगैरह छोड़, यहाँ पे पुराना सामान। अच्छा भाई ये हो गया, ये फिर से हम यहीं पे आ गए, ये एक भाई का कमरा है, पर्सनल रूम है भाई का, नहीं ये भी दो, कितना अच्छा कमरा है ये, है क्या नहीं, भाई के ही घर में, दिखा देते हैं भाई का सेटअप हो गया, ये टीवी हो गया, वर्क फ्रॉम होम है इसलिए थोड़ा सा गंदा तो नहीं है यार, साफ ही है कि नहीं, सब कुछ ओके, ऑमलेट खा लो। अब ये भाई का गेट बंद कर देते हैं हम, नेक्स्ट वन, ये है नेक्स्ट कमरा भाई का, अब व्लॉग में आगे कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी, आने दे जा, अरे अरे बाद में आने के बाद। तो भाई एक ये कमरा भाई का, ये भाई का पर्सनल है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करते, भाई पियानो सुन रहे हैं, नहीं 52 bars, तो भाई ये 52 भाई का राज्य है, हमने लाश पाल रखी है एक जिंदा लाश, ये भवन भाई का कमरा, इग्नोर करो इसको बाद में पता चलेगा, ये व्लॉग ही होगा अभी, चलो भाई ये है भवन भाई का कमरा, ये ड्रेसिंग मतलब जो भी होगा, काफी अच्छा कमरा है कि नहीं, और भाई के उससे मतलब बैकयार्ड अटैच है, भाई के घर कमरे के दो दरवाजे, एक ये एक ये विंडो ही है, दरवाजा मान लेंगे। ये भाई का फ्रेंड रूममेट आस, आस नाम है उसका, आस की हम बुझा देंगे, आस की बुझा देंगे हम प्यास, ठीक है। और ये है हमारा लॉन बैकयार्ड, जो हमने आधा ही छोड़ दिया घास काट के, देखो ये थोड़े थोड़े,
हम थक गए थे, इसका एक अलग व्लॉग बनाया है कि नहीं। वो उधर भी देख सारा, वो उधर देखो, टिम हॉर्टन्स हो गया, हार्वी जिएरा, मैकडोनल्ड्स उस साइड, डिलक्स और उस साइड पेट्रोल पंप। भाई बहुत बहुत अच्छी चीज़ है भाई, मतलब बहुत अच्छी जगह है। हीरा घर है, हीरा। ये हम अभी साफ कर रहे थे तो इग्नोर इट। बैकयार्ड में सबके, अगर आपके घर में बैकयार्ड होगा, यहाँ बैकयार्ड वाला घर ले रहे हो तो फायरप्लेस होगा, या फिर ये तो ज़रूर होगा ही शेड, इसमें मतलब पड़ा रहता है सामान। कैसे खुलता है, खोलना ब्रो। अबे ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा दिमाग से खुलता, हाथ से नहीं। सही है। योगा शेड, इसमें गराज का नहीं, किसका, लोन का सामान, गार्डन सप्लाईज। और भाई यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती सिवाय वीड और मतलब ऐसे पेड़ उगाने के, अगर आप अपने घर में भी उगा रहे हो तो उस पे रेस्ट्रिक्शन है। जैसे इंडिया में अफीम उगाने पे रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है वो। यहाँ पे नहीं है ना, तो वीड उगाने पे है बट। हाँ क्योंकि यहाँ पे वीड बहुत फूकते हैं लोग। तो ये आ गए हम तीसरे डोर से, वो पहला डोर था वहां से, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया डोर। अब तो चलते, वो भाई वेट कर रहा है चाय वाय पीने के लिए। डोजर मस्त गाड़ी है ना भाई की, एकदम बाहर से ही स्टार्ट हो जाती है। अभी जाते हैं बेसमेंट में हम, यहाँ से चलो। जूते निकालू तो निकाल, सही रहेगा, निकाल ही देता हूँ। तो भाई बेसमेंट में है मैट, ये देखो ये रग है, तो इस पे झाड़ू नहीं लगता, वैक्यूम क्लीनर से ही होता है ये साफ। बेसमेंट में थोड़ा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जैसा है वैसा दिखाना है, है कि नहीं। ये किचन है बेसमेंट का, किचन हमने दिखा दिया वैसे अभी, किचन नहीं। हाँ दिखा तो दिया अभी हमने, चालू ऊपर वाला दिखाया। हाँ ये वाला नहीं दिखाया, ये अभी चालू नहीं हुआ, मतलब ये नीचे रखा है अभी, ये अभी जस्ट आया ही है ये, मतलब ज्यादा कुछ देर नहीं। कितने कमरे हैं, एक तो एक दो तीन, ऊपर तीन कमरे हैं। और ये हमारा भूतिया कमरा, ओ यहाँ पे सबके लगेज पड़े रहते हैं, ठीक है। तो भाई स्टोरेज का बहुत शूज भी पड़ेंगे, मतलब इशू नहीं है। ओ जूते चोर, मैं जूते बहुत चुराता हूँ रूममेट्स के। और एक ये रूम है, ये मोटू का है, नहीं नहीं ये किसी और। अच्छा एक ये रूम है भाई मोटू का। अभी ये रूम है, ठीक है। और ये एक रूम नहीं है, ये हॉल है यहाँ का, बट रूम में कन्वर्ट कर रखा है। तो एक दो, एक और रूम है यहाँ पे, अरे वहां पे भी रूम है। कितने रूम है भाई, इतने यहाँ पे भी रूम है, शोरूम जैसा लग रहा है मेरे को। ये मोटे का रूम है, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, दिखा देते हैं। अरे ऑन कहाँ से होती है लाइट, छोटा सा प्यारा सा। अरे मोटू का कमरा है, ये लॉक लगा के रखता है, लॉक लगा के रखता है। कोई नहीं ठीक है। हाँ। अपनी प्राइवेसी है भाई। स्टोरेज की कितनी जगह है भाइयों के पास यहाँ, ये फर्नेंस का मतलब जहाँ क्या हीटिंग और कूलिंग आती है जहाँ से, और एक स्टोरेज यहाँ पे है। यार यहाँ पे मेरी साइकिल आ सकती है अगर मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ तो, है कि नहीं, मस्त है। और ये लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के लिए भाई को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी तरह, हम बेवकूफ़ हैं जो पैसे देते हैं। जितनी मर्जी करो, हाँ कितनी मर्जी करो, बस सर्फ अपना होना चाहिए, है कि नहीं। एक मिनट रुक तो भाई, मैं भूल गया कि मैंने किचन दिखाया, यानी फिर से दिखा देता हूँ मैं किचन। ये है किचन भाई का, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला बना के देता है यहाँ से। ये सब मैंने दिखा दिया, बस ज़्यादा बड़ा मतलब फटाफट बना दिया मैंने व्लॉग, क्योंकि साफ भी था घर, बंदे भी ज़्यादा घर पे नहीं थे। रूम का, हाँ ये वार्डरोब तो दिखाया नहीं भाई का, देखो साफ सुथरा एकदम। हाँ सचिन, एलेक्सा क्या हाल है, बीट से बीट मिला के रैप करने में लगे हैं। एलेक्सा चुप कर, ऐसा मत करो मेरी जान। भाई इतना थक गया, इतना आलस। ये देखो, हाँ ये तो दिखा, ये हमारी बहन अर्श ने दिया है गिफ्ट, कल बर्थडे था ना। ये भी दिखा, ये देखो भाई। और ये तो हमारे, ये फोटोज खींची हमने, और ये भी फोटो। अबे वो चॉकलेट का है। अरे बहुत सारे सारे गिफ्ट दिखाएगा क्या आपने? हाँ ये चॉकलेट भी, हाँ पहली बार चॉकलेट खा रहा है। ये मौसी ने दी है। टुन्टुन मौसी, किसने? जसलीन का नाम टुटन मौसी। तो भाई बस इतना था ही था व्लॉग, और ये पीछे से ये भी देख सकते हैं आप फ्रंट यार्ड।
भाई बहुत अच्छी लोकेशन है भाई के घर की, और आपको बाहर भी मैं दिखा सकता हूँ कि क्या सीन है। एक सेकंड दिखाता हूँ, अभी बाहर चलेंगे, अभी बाहर चलेंगे, चलो बाहर का भी दिखाता हूँ कि लोकेशन के आसपास क्या है। अभी तुम्हें तो जाना था ना, तुम्हें जोर आया था। अरे यार सब कुछ बता दे, रुक जाओ अभी मैं वॉशरूम में आके जरूरी काम कर लेता हूँ। ये चमक क्या रहा है पता नहीं, मिलता हूँ थोड़ी देर में वॉशरूम के बाद। वॉशरूम के बाद देखो भाई, मैं कोई हंसने की या कोई मजाक की बात पे नहीं कह रहा, ये एक मैं सीरियस वे में बोल रहा हूँ। टॉयलेट में जो टॉयलेट पेपर होते हैं वो हम इंडियन है ना, हम धोते हैं ऑब्वियसली, तो हमें पानी की नीड पड़ती है, तो यूजुअली डब्बा होता है हमारे घरों में, बट यहाँ पे ना डब्बा होता ना होता ना कुछ और सीट्स भी ऐसी होती है, तो यहाँ पे प्रेशर वॉशर होता है, ठीक है, ये जो वो पिचकारी सी होती है ना इंडिया वाली सीटों में, यहाँ पे वो बहुत कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप ला के लगवा सकते हो, बवन भाई के घर में है तो मैंने सोचा इसका भी एक जिक्र कर दूं थोड़ा सा। तो $10-12 की आती है वो, आप यार फिट करवा सकते हो, क्योंकि यार हमें धोने की आदत है और हम उसमें ही कंफर्टेबल रहते हैं एक्चुअली, और ये सच बात है जो भी है। तो ये फनी वे में नहीं कह रहा, आपको लगवा लेना चाहिए, $2-2 कंट्री करके अगर आप सब घर में रह रहे हो तो लगवा सकते हो। अभी मैं बाहर मिलता हूँ, ये सारी बातें बताने की नहीं होती बट जो सच है वो है, ठीक है। भाई हम चाय पीने चलते हैं भाई की गाड़ी में, भाई की गाड़ी दिखाऊं मैं पीछे से कैसी है, डॉज जर्नी। अरे वाह भाई क्या गाड़ी है आपकी, क्या गाड़ी है भाई, यार एकदम मस्त गाड़ी है, तो मैंने सोचा नहीं था इतने फीचर होते होंगे इसमें, तारीफ है। अभी कहाँ जा रहे भाई हम, तुम्हें छोड़ने और बस फॉरवर्ड जाएंगे फिर। ओके वो सामने कॉलेज है ना, या इस साइड से जाके, इस साइड से जाके वो रफ एंड शो कॉलेज का वो दिख रहा, तो उधर से और हाँ चल के जाना तो ये पास। अच्छा तो भाई देखो ये फैंशो कॉलेज का मेन कैंपस है, देखो कितनी पास में है, चीप साइड स्ट्रीट से एंट्रेंस है और कितनी पास है, बहुत बड़ा कैंपस है, तो कैंपस के पास भी घर है, खाने का भी है, जॉब भी, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है, साफ सुथरा भी है, बड़ा भी है, रेंट भी बढ़िया है, और क्या चाहिए भाई, और क्या आप घर ही लोगे क्या फ्री में पूरा है कि नहीं। अभी भाई हमें घर छोड़ने जा रहे हैं थैंक्स टू करमवीर, करमवीर भाई मेरे को पता था, मैं कंफर्म, मेरा एक दोस्त भी है ना मनवीर, इसलिए। उसके बाद भाई व्लॉग एंड कर दिया था और ज्यादा कुछ क्लियर तो नहीं आ रहा, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस मैं घर पे आके सो गया था, वीडियो एडिट करती थी मैं, कैसा आ रहा हूँ, हाँ अब साफ आ रहा हूँ, वीडियो एडिट कर दी थी और बस इतना ही था। बवन भाई के घर का टूर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और कंफर्म कर सकते हो बवन का इंस्टाग्राम भी, मेरे इंस्टाग्राम में जाके ढूंढ लेना मिल जाएगा, ठीक है, अगर कुछ बात करनी हो बवन से तो, बवन भाई फेमस है, हर मजाक कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।